नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ऊर्जा रक्षा उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी और ओचा के बीच आसियान शिखर सम्मेलन से इत्र बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसमें भौतिक और डिजिटल क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने भारत और थाईलैंड के बीच मित्रवत संबंध बढ़ाने पर गहन चर्चा की। मोदी आसियान भारत ईस्ट एशिया और RCEP शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को बैंकॉक पहुँचे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के गहराते संकट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों और हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और कैबिनेट सचिव ने रविवार देर शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस बैठक में दिल्ली के अधिकारियों के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अगुवाई में हुई इस बैठक में दिल्ली के वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से शुरू हो रही सम विषम योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का फैसला किया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि शहर में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 1000 से कम है और उनसे किसी तरह का जाम लगने की संभावना नहीं है। गहलोत ने कहा कि लिहाजा इन वाहनों को सम विषम पाबंदियों से छूट देने का फैसला किया गया है। सम विषम योजना सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 15 नवंबर तक चलेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार द्वारा सम विषम योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी अधिसूचना में छूट वाले वाहनों की सूची में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को व्हाट्सएप से एक संदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनके फोन के हैक होने की आशंका है। हालांकि पार्टी ने ये नहीं बताया कि प्रियंका को यह संदेश कब प्राप्त हुआ था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संदेश मिलने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी को भी लगभग उसी वक्त व्हाट्सएप से इसी तरह का एक संदेश प्राप्त हुआ था। सुरजेवाला ने कहा कि प्रियंका को लगभग उसी वक्त संदेश प्राप्त हुआ था जब व्हाट्सएप इस तरह के संदेश उन लोगों को भेज रहा था जिनके मोबाइल फोन कथित तौर पर हैक हुए थे। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।